मॉर्निंग बच्चों, की पाठशाला डीसी रामगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हिरणमय माजी UHS चक्रवाली से। आज आप लोगों का टॉपिक है पूर्णांकों का गुणा। बच्चों, पिछले क्लास में आप लोग देखे थे कि पूर्णांकों का योग कैसे किया जाता है। इसको भी हम एक साधारण तरीका से देखेंगे कि दो पूर्णांक का गुणा कैसे करेंगे, उसका चिन्ह क्या होगा। बच्चों, हम लोग जानते हैं पूर्णांक तीन तरह का होता है, या तो पॉजिटिव, या तो नेगेटिव, या तो शून्य। तो अगर दोनों पॉजिटिव रहे या दोनों नेगेटिव रहे, तो ये दोनों में क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा गुणा करने के पश्चात। और अगर एक पॉजिटिव रहे और एक नेगेटिव रहे, तो इसको गुणा के बाद ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और एग्जांपल, हम एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे 4 × 3 दोनों पॉजिटिव है, इसका आएगा 12, ये भी पॉजिटिव ही आएगा। अगर दोनों नेगेटिव होता है, -4 - 3, इसको गुणा करेंगे तो भी आएगा पॉजिटिव। माइनस माइनस में प्लस होता है, -2 × -3 आएगा +6, -4 × -5 आएगा +20, 4 × 5 तो भी आएगा 20। इसमें हम ये देखें कि दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जस्ट उल्टा, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहे, जैसे -3 × 4, तो इसमें क्या आएगा, 12, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, क्योंकि एक नेगेटिव है। इस तरह से -2 × 3 तो भी होगा -6, 3 × -4 आएगा -12, 4 × -5 आएगा -20। तो अच्छा, हम लोग देख रहे हैं कि अगर दोनों पॉजिटिव रहे या दोनों नेगेटिव रहे, तो हमको पॉजिटिव लेना है, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो रहेगा, तो गुणा के पश्चात क्या आएगा, नेगेटिव साइन। इसके लिए सिंपल चार्ट हम इस तरह से बना सकते हैं कि प्लस का गुणा अगर प्लस के साथ होता है, तो रिजल्ट भी आएगा पॉजिटिव। नेगेटिव का गुणा अगर नेगेटिव के साथ होता है, तो भी आएगा पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव के साथ गुणा होता है नेगेटिव का, तो आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव के साथ अगर गुणा होता है पॉजिटिव का, तब भी आएगा नेगेटिव। इस चार्ट को आप याद करके रखिए, एक सिंपल फॉर्मूला बन गया, जिसके आधार पर पूर्णांकों का गुणा आप लोग कर सकते हैं। धन्यवाद।